नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। जानवरों से भरे ट्रक चढ़ा पुलिस के हत्थे, नहीं थम रही पशु तस्करी का मामला। आज फिर सड़क किनारे नाला में फंसे ट्रक में मिला तस्करों के द्वारा तस्करी कर भूषण खाना ले जा रहे जानवर। ट्रक नहीं निकलने से ट्रक वहीं छोड़कर ड्राइवर सहित तस्कर हो गए फरार। मुखबिर की सूचना से मौके पर पहुंचकर फास्टरपुर पुलिस ने किया कार्रवाई, जहां 24 नग जानवर सहित ट्रक को बनाया गया जब्ती। वहीं ट्रक के अंदर एक जानवर मृत पाया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अज्ञात ट्रक ड्राइवर और पशु तस्कर के खिलाफ किया गया कार्रवाई। लगातार जंगलों के रास्ते में जानवर ले जा रहे तस्कर, ये पूरा मामला फास्टरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दाबो के पास का है, जहां बीते रात सड़क किनारे नाले में लावारिस हालत में फंसे मिले ट्रक को पुलिस मौके पर पंचनामा कर 19 नग भैंसा एवं 5 नग भैंस, कुल 24 जानवर पाया गया। मौके पर जब्त ट्रक क्रमांक CG04MR7892 के अज्ञात ड्राइवर और अज्ञात जानवर तस्कर के खिलाफ फास्टरपुर थाने में पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11(1)(g) एवं 279(429) के तहत मामला दर्ज कर जब्त ट्रक के नंबर के आधार पर ट्रक के मालिक और ड्राइवर तथा पशु तस्कर की तलाशी सदगर्मी से पुलिस द्वारा किया जा रहा है। ट्रक को हाइड्रा की मदद से निकाल कर सभी पशुओं और ट्रक को थाने में रखा गया है। था कि मवेशी से भरा ट्रक तस्करी हेतु ले जाया जा रहा है। फास्टरपुर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। वहां देखा गया कि जो मवेशी से भरा ट्रक है वो सड़क से नीचे उतर गया है और मतलब लवारी सड़क में पड़ा हुआ है। उसके ड्राइवर और जो व्यक्ति थे वो वहां से फरार हो गए हैं। मौके पर से फिर मवेशी को ट्रक से उतारा गया और फिर ट्रक को हाइड्रा की मदद से खींच कर थाना ले जाया गया है और मवेशी को और ट्रक को विधिवत पंचनामा करके जब्ती कर लिया गया है। और इसमें धारा 379(429) और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है। और जो लवारिस ट्रक है उसका नंबर से उसके मालिक के और आरोपियों की पता तलाश की जा रही है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी। नमस्कार, मैं नेहा। छत्तीसगढ़ के लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए अभी ही छत्तीसगढ़ विजन के फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।